बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट इन द नेम ऑफ अल्लाह मोस्ट गॉशियस मोस्ट मर्सीफुल। आई एम योर टीचर ग्रेड टू सब्जेक्ट इंग्लिश ऑक्सफोर्ड। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर यूनिट नंबर 11 पेज नंबर 96। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट चूज द फ्राजेस बिलो इन द सेंटेंसेज ऑफ दियर नाउन। द आइडियाज इन ईच सेंटेंस मस्ट बी कनेक्टेड जस्ट लाइक इन अ स्टोरी। यहाँ पर आपको कुछ फ्राजेस दिए गए हैं, आपने इसको इनके सेंटेंसेस बना रहे हैं और ये जहन में रखिएगा कि जो सेंटेंसेस बनाएंगे वो चोको की स्टोरी से मैच होते हों, यानी कि उसकी स्टोरी से ही हो। लुक हेयर इन द मॉर्निंग, जी इन द मॉर्निंग, चोको गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। बी स्ट्रेट टू, जी बी वाला क्या था, स्ट्रेट टू, ही वेंट स्ट्रेट टू द कॉर्नर शॉप, ही वेंट स्ट्रेट टू द कॉर्नर शॉप। द सी मंच्ड, मंच्ड का क्या मतलब है, हर वक्त खाते रहना। ही मंच्ड ऑन बार्स ऑल द टाइम, वो क्या करता था, वो चॉकलेट हर टाइम खाता रहता था। द नेक्स्ट वन इज वांटेड टू स्टॉप, वांटेड टू स्टॉप, कुछ किसी चीज़ को रोकना, रोकने के लिए ख्वाहिश करना ना। हिज पेरेंट्स वांटेड टू स्टॉप हिम बाय ईटिंग चॉकलेट्स, हिज पेरेंट्स वॉन्टेड टू स्टॉप हिम बाई ईटिंग चॉकलेट्स, उसके वालदेन क्या चाहते थे, वो उसको चॉकलेट खाने से मना करना चाहते थे या रोकना चाहते थे। डार्कर एंड डार्कर, डार्कर एंड डार्कर, जी हिज टीथ बिकम डार्कर एंड डार्कर वन ही ईट चॉकलेट्स, जब वो चॉकलेट्स खा रहा था तो उसके दांत क्या हो रहे थे, वो गहरे होते जा रहे थे ना चॉकलेट के कलर के। जी द नेक्स्ट वर्ड क्राइड, क्राइड चोको क्राइड व्हेन ही सॉ द लिटिल मैन, जी वो चिल्लाया जब उसने एक छोटा आदमी देखा। चोको क्राइड व्हेन ही सॉ द लिटिल मैन, जी तो आई होप यू आर लिसनिंग केयरफुली एंड लर्निंग टू मच केयरफुली। इसको अच्छे से आपने सुना भी है और याद भी कर लिया होगा, इसको आपने अपनी नोटबुक पे लिखना भी है और अपनी ट्यूशन वाली ये घर पे अपने मदर फादर को लिख कर भी दिखाना है। इसके साथ ही हम चलते हैं अपने लेक्चर के इख्तिताम की तरफ। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, टेक केयर, स्टे होम, सेव लाइफ।